हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप अपने फ़ोन का जैसे पैटर्न भूल जाते हो। मान लो जे मेरा फ़ोन है फ्रेंड, मैं इसका पैटर्न भूल गया हूँ। जैसे मैंने कोई ऐसा है, वैसे तो मेरे फ़ोन का पैटर्न मुझे याद है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको आप अपने फ़ोन का पैटर्न भूल गए हो, या आपका फ़ोन स्लो चलता है, या किसी वजह से हैंग होने लग जाता है, बैटरी बैकअप कम देने लग जाता है, तो और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपने फ्रेंड जो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो मेरे पास MI का फ़ोन है, जो देखो मैं दिखा रहा हूँ MI का फ़ोन है, ये MI फ़ोन की मैं हार्ड रीसेट मार के जो भी इसका पैटर्न है इसको मैं हटा के दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो आप बने रहो मेरी वीडियो के साथ, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड देखो, हमारे फ़ोन में दो बटन और तीन बटन होते हैं। एक तो होता है पावर का, एक वॉल्यूम अप का, एक डाउन का। ये डाउन का, ये अप का है। आपने फ्रेंड क्या करना है, जो वॉल्यूम का अप का बटन है और पावर बटन है, इसको आपने लॉन्ग प्रेस करना है। चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। मैं इसको वो ज़ोर से लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तब तक इसको प्रेस करके रखना है जब तक इसमें एक वाइब्रेशन का सिंबल आता है। जैसे आ जाएगा ना, तो इस पर आ जाएगा MI लिखा हुआ। इसको फ्रेंड मैंने लॉन्ग प्रेस कर दिया है, इसको तब तक होल्ड करके रखना है जब तक कि MI आ ना जाए। देखो फ्रेंड MI आ गया। इसके बाद इसको फ्रेंड हमने आगे का प्रोसेस बिल्कुल आपने ध्यान से देखना, बगैर वीडियो को स्किप किए। तो इसके बाद ये आता है वाइप डाटा। जो देखो अभी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही, तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम जो डाउन बटन है उससे हमने वाइप डाटा पे करना है, उसके बाद पावर बटन दबा देना है। तो पावर बटन दबाने के बाद जहाँ वाइप ऑल डाटा लिखा हुआ है, इसको ओके करने के लिए हमको अपना जो पावर बटन दबाना पड़ेगा। तो जहाँ से वॉल्यूम बटन से नीचे करने के, तो जहाँ से इसको कन्फर्म कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये देखो ये प्रोसेस होने शुरू हो गया। जे पूरे प्रोसेस में फ्रेंड 20 से 25 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये MI का बता रहा हूँ, किसी फ़ोन में कम ज़्यादा टाइम हो सकता है, डोंट वरी, आप चिंता नहीं करनी। जितना टाइम लगता है उतना टाइम दीजिए आप। जहाँ आपने फिर दोबारा क्या करना है, पावर बटन दबाना है, जहाँ लिखा हुआ रिबूट, इसको हमने ओके कर देना है। जैसे हम ओके करने के लिए पावर बटन का यूज़ करते हैं, पावर बटन हम दबाते हैं, तो ये रिबूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखो मैं पावर बटन दबा रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ रिबूट टू सिस्टम, ये रिबूट टू सिस्टम लिखा हुआ है, इसको हम पावर बटन से ओके कर देंगे। तो जे फ्रेंड प्रोसेस इसका शुरू हो गया। जहाँ से थोड़ा टाइम लेता है, तो इस वजह से आपका समय बर्बाद ना हो आप, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी अगर मैं पूरा का पूरा टाइम लेता हूँ। किसी में फ़ोन में 10 मिनट भी लग सकते हैं, किसी फ़ोन में कम ज़्यादा टाइम लग सकता है फ्रेंड। इसको इसके लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर आपने तो 20-25 मिनट कहा था, मेरे फ़ोन में इतना समय लगता है, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड इसको प्रोसेस को हम पूरा होने देते, तब तक उतनी वीडियो मैं स्किप कर देता हूँ ताकि आपके टाइम की बचत हो सके। देखिए फ्रेंड इसका ये प्रोसेस पूरा हो चुका है, उसके आगे की सेटिंग मैं बता रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद ये एरो का बटन फ्रेंड दिखाई देगा, ये एरो के बटन पे हमने क्या कर देना, ओके कर देना है। जैसे फ्रेंड हम इस पर ओके करेंगे तो ये लैंग्वेज मांगेगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमने जहाँ पे इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, तो इसको हम ओके कर देंगे। जहाँ एरो के बटन से आगे चले जाएंगे, जहाँ आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं इंडिया का, तो इंडिया मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद ये सेटिंग रिजाइन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसको कंप्लीट होने देते हैं, ये थोड़ा समय लगता है, आपको कंप्लीट समय देना पड़ेगा। इसके बाद ये उस नेटवर्क का दिखा रहा है, जहाँ से आप ऐड नेटवर्क कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ से स्किप कर दीजिए इसको। उसके बाद इसकी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी है, इसको भी हम ओके कर देते हैं। जहाँ डाटा है फ्रेंड, इसको आप वॉइस डाटा या प्रेफर्ड डाटा, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये एरो का बटन आप दबा दीजिए, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप एरो का बटन दबाते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी, ये चेकिंग फॉर अपडेट, दिस मे टेक ए फ्यू मिनट। तो फ्रेंड ये कुछ समय लेता है, जब तक ये पूरा होता है तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि आपके समय की बचत तो हो सके। तो ये चेकिंग इन्फो हो रहा है, इसको कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद या आपका ईमेल फ़ोन मांगेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। तो आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ से दे सकते हो, तो जहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे फ्रेंड। जैसे हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद जहाँ पे आप MI का अकाउंट बना हुआ, फ़ोन नंबर, पासवर्ड दे सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ,
क्योंकि एक एक डिटेल भरूंगा तो आप काफ़ी समय लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। जहाँ फिंगरप्रिंट या लॉक स्क्रीन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और उसके बाद ये इसको जहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जहाँ से आप जोन सी भी ये वॉल पेपर वगैरह सेट करना चाहते हो, जैसे मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ से ये सेट हो जाएगा इसके बाद हमने क्या करना है, ये अप्लाई हो गया, वो उसके बाद फ्रेंड ये सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम जहाँ से ओके कर देंगे, जहाँ जो ऐप है वो लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी बस 30-40 सेकंड का समय लग रहा है, इसको कंप्लीट होने देते हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये लोडिंग ऐप का जो सेटअप था कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भी इसका पैटर्न है या नहीं है, ये कैसे है कैसे नहीं है। ये देखो ये फ्रेंड हमारी सेटिंग बिल्कुल सेम वैसी हो गई है जो हमारे नए फ़ोन की होती है। अभी मैं आपको लॉक लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद चेक करवाता हूँ भी इसमें पैटर्न है या नहीं है। ये देखो फ्रेंड, अभी कोई पैटर्न नहीं है, जो इस सेटिंग से ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर देता है जो पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप इसको डाउन कॉपी कर दीजिए। डाउन कॉपी करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से फ्रेंड आप अपना सेटअप कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड। और किसी के पास दूसरी कंपनी का फ़ोन है, वो अपना पैटर्न तोड़ना चाहता है या फ़ोन को हार्ड रीसेट मारना चाहता है, तो मुझे नीचे कमेंट करना, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, लव यू ऑल।